हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है आप सभी के लिए सीटेट का सिलेबस लेकर आए हैं और इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको एग्ज़ाम में आएगा, ये आपको पूरा होल बताया जाएगा, है ना, पूरा बताया जाएगा। और अगर आप इतना कर लेते हैं हमारे साथ तो यकीन मानिए कि आप 30 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, तो आराम से आप 26 से 27 नंबर ला सकते हैं। इसमें एक भी मार्क्स आपको कम नहीं आएगा। और ये आपका सेशन चलेगा 2 महीना, है ना, क्योंकि आपको डेली 50 क्वेश्चन कराया जाएगा, डेली 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। कभी बीच में एक दिन गैप भी हो सकता है क्योंकि आपको NCERT पढ़ाया जा रहा है, NCERT का फिर क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, है ना, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें कराई जाएगी। तो आपको 50 क्वेश्चन लगभग डेली कराया जाएगा और इसका डिस्कशन भी कराया जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि हम लोग सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस आप जान लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और उसी अनुसार से आपको सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि सीटेट एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं पूछता। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज पहले सिलेबस जान लेते हैं, उसके बाद कल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बाल विकास को, शिक्षा शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बाल विकास। अब देखना है कि बाल विकास में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो बाल विकास में देखिए, इसको बहुत सारे प्रकार में बांटा गया है। जैसे देखिए, पहला है आपका विकास की अवधारणा और अधिगम के संबंध, अधिगम से संबंध। तो बाल विकास में सबसे पहला पाठ है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो विकास के बारे में, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में, विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, विकास का क्या स्वरूप है, है ना, विकास का क्या सिद्धांत है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़नी है, है ना, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यही आपका पूरा टॉपिक है। और देखिए, अधिगम का अर्थ एवं स्वरूप, विकास एवं अधिगम से संबंध, परिचयोपी महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको ये पूरा इसमें बताया जाएगा टोटल को, और लास्ट में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट है कि बाल विकास के सिद्धांत के बारे में क्या पढ़ना है हमें। तो बालक विकास की प्रकृति कैसी होती है, बाल विकास की क्या क्या विशेषताएँ हैं, विशेष क्षेत्र है, क्या उसकी समस्याएँ होती है, है ना, बाल विकास के संबंध में परम्परागत जो विश्वास है उसके बारे में देखना है, सभी से संबंधित आपको क्वेश्चन बताया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 26 से 27 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, आराम से। क्योंकि इसके बाद आपका, देखिए, अगर आप ये कर लेते हैं तो इसके बाद आपका आने वाला है KVS का बहुत जल्दी फॉर्म आने वाला है, आपको मार्च या अप्रैल में आपको इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आप जो KVS का फॉर्म भरिएगा उसमें आपको इससे सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, है ना, उसमें जो भी आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे फालतू नहीं आएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं, लगभग हमारे साथ आप 1500 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, अगर इतना आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए, दूसरा था हमारा बाल विकास के सिद्धांत, इसको तीसरा पार्ट है इसका कि विकास प्रतिमान के आधार यानी वंशानुगत और उसका वातावरण के बारे में, हमेशा वंशानुगत के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है एग्जाम में इससे। ठीक है, और देखिए इसका तीसरा अगला पार्ट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में हमें क्वेश्चन आता है, समाजीकरण का अर्थ क्या है, उसका परिभाषा के बारे में, है ना, समाजीकरण की क्या विशेषताएँ हैं, समाजीकरण का सिद्धांत, समाजीकरण के निर्धारित करने वाले कारक, ठीक है ना, तो ये सब हमको एग्जाम में पूछा जाता है और इसको हम लोग आज देखेंगे, है ना, कल से हम लोग डेली 50-50 क्वेश्चन करते चलेंगे। देखिए, अगला टॉपिक है सामाजिक विकास, समाज का विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, फिर है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछा जाएगा, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। ठीक है, देखिए आपको यही तीनों ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और यही आपको सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे है टॉपिक अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बुद्धि का स्वरूप, विशेषताएं, सिद्धांत एवं बुद्धि
परीक्षा यानी बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, बुद्धि का प्रकार, बुद्धि का सिद्धांत, मानसिक आयु व बुद्धि लब्धि, बुद्धि का मापन, है ना। तो ये सब सारा आपको कराया जाएगा, सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, डेली 50 क्वेश्चन। दोस्तों आपको बार बार कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सी टेट के वी एस दोनों आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। आपके पास बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, और आप लोग हमसे जुड़े हैं तो आप लोग को हम पूरी तैयारी कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आपका टॉपिक है भाषा एवं विचार के बारे में, ठीक है, यानी लैंग्वेज और थाउट हमको पढ़ना है, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक या दो, ठीक है। भाषा की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है, भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास की आवश्यकताएँ, ठीक है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वाणी में विकार। देखिए मैं सारा टॉपिक को नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा कि हाँ हमें ये चीज़ देखना है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिलेबस बस दिखाया जा रहा है कि हाँ दोस्तों आपको ये चीज़ पढ़ना है और आपको इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे आप या तो आप 1 to 5 दे रहे हैं, है ना, जो 1 to 5 दे रहे हैं, या 6 to 8, ऐसा नहीं कि ये 1 to 5 है 6 to 8 है, दोनों के लिए है ये, दोनों के सिलेबस है, इससे दोनों का कवर हो जाएगा, आपको KVS भी कवर हो जाएगा, ठीक है। या तो आप UP टेट दे रहे हैं वो भी आपका कवर हो जाएगा, या फिर आप बिहार का टेट दे रहे हैं वो भी कवर हो जाएगा, अगर इतना आप कर लेते हैं तो। इससे फालतू कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। या तो आप DSS भी दे रहे हैं, एक कुछ बच्चे कह रहे थे सर DSS भी की तैयारी करवाइए, तो आप इसको देखिए, DSS भी आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र से पूछा जाता है DSSB में, इससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगला आपका टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, ठीक है। और देखिए फिर नेक्स्ट टॉपिक है वैयक्तिक विभिन्नताएं के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए रुचि अभिरुचि के बारे में, है ना, रुचि के पहलू, रुचि का वर्गीकरण, बालकों के प्रमुख रुचियाँ कौन कौन सी होती है, रुचियों का निर्धारण, ठीक है। आगे देखिए अभियोग्यता की अभिक्षमता, है ना, इसके बारे में आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए शारीरिक क्रियाकलाप एवं मानसिक विकास के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है, शारीरिक विकास का चक्र किस प्रकार से होता है, शारीरिक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है बच्चे का, बाल्यावस्था में किस प्रकार होता है, किशोरावस्था में किस प्रकार होता है, है ना। तो सभी क्वेश्चन आपको मोस्ट कराया जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है और अगले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है देखिए मूल्यांकन एवं आकलन के बारे में आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपलब्धि परीक्षाएं एवं निदेशन के बारे में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक ना, उपलब्धि परीक्षाओं के उद्देश्य क्या क्या है, तो ये आपका पूरा सिलेबस देखिए। दूसरा भाग आपका आ गया, फर्स्ट भाग था आपका बाल विकास, सेकेंड भाग में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बालक से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है दोस्तों, अगर इतना कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए इसमें फिर पहला, इसको भी कई भागों में बांटा गया है, तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत सबसे पहले है, समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकताएँ होती है, उसकी क्या विशेषताएँ होती है, है ना, समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, उसका क्या सिद्धांत है, उसका कौन कौन से मॉडल है, ठीक है। और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो शिक्षा नीतियां हैं उसके बारे में, शिक्षा नीति 2006, शिक्षा नीति शिक्षा का अधिकार 2009 से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, है ना। CBSE बोर्ड के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, NCERT से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पूरा कराया जाएगा इसमें, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से बस देखते चलिए, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा देखिए टॉपिक आपको, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि विविध पृष्ठभूमि से अपवंचित बालक, है ना, जो उसके बारे में आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अपवंचित वर्ग के बच्चों का शिक्षा कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए है कि पिछड़े तथा विकलांग, इससे हमेशा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन, है ना, पिछड़े बालक से, विकलांग बालक से, मानसिक रूप से, ठीक है, विकलांग बालक से हमेशा क्वेश्चन आता है, पिछड़े बालक से आता है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक से क्वेश्चन आता है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, ठीक है। और इससे भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा पिछड़े बालक, ठीक ना, पिछड़े बालक का प्रकार, ठीक है, पिछड़े बालक का क्या कारण है, पिछड़े बालक की कौन कौन सी समस्याएँ होती है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या क्या किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो सभी चीज़ आपको कराया जाएगा। आगे देखते हैं देखिए चौथा नंबर टॉपिक इसमें है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है, जैसे प्रतिभाशाली बालक के बारे में, है ना, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता के कौन कौन से तत्व है, सृजनात्मकता पहचान कैसे की जाती है, उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है।
तो देखिए विशिष्ट बालक, ये सब तो हमेशा एग्जाम में टॉपिक, ये सब तो मेन टॉपिक है इसका। देखिए तीसरा प्रकार था इसका कि बालकों का सोचना एवं चिंतन एवं उसको कैसे सिखाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और ये तीसरा भाग था अधिगम एवं अध्यापन, तो इसमें आपको देखना है कि बालकों कैसे सोचते हैं, ठीक है, उसको कैसे सिखाया जाए, ठीक है, कैसे सीखते हैं बच्चे, कैसे सोचते एवं सीखते हैं, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लर्निंग के बारे में, है ना, सीखने की क्या प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। चलिए आगे है कि शिक्षण और अधिगम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, शिक्षण की प्रकृति के तत्व कौन कौन से, शिक्षण के क्या क्या साधन है ना, शिक्षण अधिगम के कौन कौन से आधार हैं, ठीक है, अधिगम के बारे में, और देखिए आपको बहुत सारा इसमें और भी टॉपिक है। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक था कि बालक एक समस्या समाधानकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता के रूप में, ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान के कौन कौन से पद हैं, समस्या समाधान की कौन कौन सी विधियां हैं, समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि क्या है, इसमें केवीएस में इसमें हमेशा एग्जाम में इससे भी टॉपिक से पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था, ठीक है, क्योंकि केवीएस में भी आपको अगर टीजीटी का एग्जाम देते हैं तो उसमें पिछला बार कितना 40 क्वेश्चन पूछा गया था लगता है, ठीक है, और आपको अगर प्राइमरी का देते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पीजीटी का देखते हैं उसमें भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हमारा सेशन, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अगला टॉपिक है दोस्तों कि बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, है ना, देखिए इससे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है क्योंकि इसे थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, उसका कौन कौन से नियम थे, पावलो पावलो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, फेवरेट है इसका, ठीक है, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग, है ना, वो किस चीज़ पे प्रयोग किया गया था, कैसे किया था, सारा पूछा, कब किया था, सब पूछा जाता है, सब आपको बताएंगे हम A to Z बताएंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। अगला है कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, इसके बारे में सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमेशा इससे तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आपको फिक्स रहता है। शिक्षा में अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का महत्व, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मुख्य संप्रत्यय क्या है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला को टॉपिक है आपका कि संज्ञान तथा संवेग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, संज्ञानात्मक विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, संवेग क्या होता है, यानी इमोशन, इमोशन से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संवेगात्मक विकास की अवधारणा इस बार भी पूछा गया था। नेक्स्ट है संवेगों का विकास कैसे होता है, बाल यानी संवेगात्मक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना, बच्चे को जो प्रभावित करते हैं, ठीक है, अब संवेगात्मक को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, है ना, इमोशन को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बालकों तथा प्रौढ़ों के संवेग की भिन्नता क्या है, परिचय भी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए अगला टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा व अधिगम यानी मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हर एक टॉपिक से लगभग दोस्तों आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कभी किसी से एक, किसी से ज़्यादा पूछ लेता है, किसी से कम पूछ लेता है, कोई एग्जाम में किसी से नहीं भी पूछता है, किसी से ज़्यादा पूछता है, लेकिन कुछ कुछ जो इसका टॉपिक होता है ना वो फेवरेट होता है, ठीक है। चलिए अभी इसके बारे में आपको देखना है कि अभी प्रेरणा हमको देखना है, यानी मोटिवेशन, अभी प्रेरणा की वर्गीकरण, ठीक है, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, अभी प्रेरणा के अन्य वर्गीकरण, अभी प्रेरणा कैसे सीखा जाता है, तो ये सब दोस्तों इसमें आपको सीखना है। तो देखिए इतना लगभग हमारा सिलेबस था और ये सिलेबस आपका पूरा आपको बताया गया, और इसको अगर आप समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार देखिएगा, और अगर ये सिलेबस आप पूरा कर लेते हैं मेरे साथ तो यकीन मानिए कि आपका KBS प्लस CTET दोनों आप आराम से पास कर सकते हैं, है ना, आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा आपका सिलेबस आज था, और कल से फिर आप सभी के लिए डेली 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, तो आप लोग देखना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी बता दें, हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उसको आसानी से देखते रहेंगे, अपनी तैयारी को पूर्ण कर सके। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।